दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और एसपीएल लाइव लर्निंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ट्रैफिक लाइट के बारे में क्या बात करनी है, सबको पता है रोड पर ट्रैफिक लाइट लगी होती है, 3 लाइट होती है, हमें पता होता है कि हमें कब रुकना है, कब जाना है, इसमें क्या बताना है। तो रुकिए दोस्तों, वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि मैं ट्रैफिक लाइट के बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या काम करती है। एक्चुअली वीडियो का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि ट्रैफिक लाइट में 3 कलर होते हैं, नॉर्मल सी बात है, बच्चा भी जानता है। पर दोस्तों, उन 3 लाइट के कुछ मतलब भी होते हैं। आखिर वही लाइट क्यों लगाई गई है? दोस्तों, कलर तो और भी हैं, बहुत सारे कलर हैं, पर आखिर इन 3 लाइट को ही क्यों चूज किया गया है? इनके पीछे का इनका महत्व क्या है? आखिर मतलब क्या है? आखिर ये लाइट हमसे कहना क्या चाहती है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे आखिर इन 3 लाइटों का मतलब क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, वीडियो के मेन टॉपिक पर आने से पहले हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, ट्रैफिक लाइट्स की हिस्ट्री क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सबसे पहले ट्रैफिक लाइट में कितने कलर होते थे। अब देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट होती है, पर पहले ऐसा नहीं था। शुरुआत के दिनों में जब ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल शुरू हुआ था, तब सिर्फ 2 ही लाइट यूज होती थी, और वो कौन सी थी? रेड और ग्रीन, यानी कि रुकिए और चलिए। तब येलो लाइट का यूज नहीं होता था। और दोस्तों, एक और खास बात मैं आपको ये बता दूं कि जब ये लाइट यूज होती थी, तब बिजली के प्रयोग से इन्हें यूज नहीं किया जाता था, इन्हें यूज किया जाता था गैस की मदद से। जी हाँ दोस्तों, अगर रात में ये लाइट किसी को दिखानी है तो गैस का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर सबसे पहले बिजली से चलने वाली, यानी इलेक्ट्रिसिटी से इस्तेमाल की जाने वाली ट्रैफिक लाइट कब लगी थी। तो दोस्तों, इसका जवाब है 1890 में। जी हाँ दोस्तों, 1890 में, जो कि कहां पर लगी थी? अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, आखिर जो 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन और येलो, इनके मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं येलो कलर की, यानी कि पीले कलर की। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो पीला कलर होता है वो ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी का, और सन यानी कि सूरज का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, ये कलर हमको बताता है कि अपनी ऊर्जा को समेट कर रख लीजिए और चलने के लिए तैयार हो जाइए, यानी कि अपनी गाड़ियों को स्टार्ट कर लीजिए और चलने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं हरे रंग की, यानी कि ग्रीन लाइट की। तो दोस्तों, ग्रीन लाइट में आपको बता दूं, जो हरा रंग होता है वो दोस्तों शक्ति का प्रतीक होता है, यानी कि पावर का। और दोस्तों, ये कलर आपको बताता है कि अब आप जा सकते हैं अपनी पूरी पावर से। अब देखिए, पावर का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी स्पीड से जाना है, इसका मतलब है अब आप नॉर्मली यहाँ से निकल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी में लाल रंग की। अब देखिए दोस्तों, शायद ये बात तो मुझे ना बतानी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि लाल रंग, देखिए दोस्तों, खतरे का प्रतीक होता है। अगर किसी को डेंजरस का सिग्नल दिखाना है तो वो रेड कलर से ही दिखाता है, बोले तो खतरे का कलर होता है, खतरे का रंग होता है। इसलिए दोस्तों, ये हमें कलर बताता है कि आगे खतरा है, अब आप रुक जाइए, आपको यहीं रुकना होगा। तो दोस्तों, यही थे इन कलरों के मतलब। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एसपीएल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।